हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग है, गुड डे, आप सबका दिन बेहतरीन जाए। जो भी आपकी इच्छा है, विश है, अगर वो आपके लिए सही है, राइट है, आपके लिए बेस्ट है, तो ज़रूर वो आपको मिले, वो फुलफिल हो, आपकी इच्छा पूरी हो। तो चलिए इसी आशा के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ आज के दिन हो सकता है उनके और आपके बीच। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। फोकस अपने पर्सन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। क्या है आज मॉर्निंग में उनके फीलिंग्स और थॉट्स, आप क्या रहे यूनिवर्स बताएं मुझे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में, सोच भी रहे हैं कि नहीं। ओके, आपके पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो के कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर उस पल को, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने खुद को आपसे डिटैच किया था, आप दोनों के बीच दूरियाँ आ गई थी, आप इनसे दूर हुए थे, या जब इन्होंने आपसे दुनिया बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया था, कि इन्होंने डिसाइड किया था, इन्होंने सोचा था कि मुझे अब इस पर्सन से दूर होना है, खुद को दूर रखना है। तो उस मोमेंट को काफ़ी याद करते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि फिज़िकली मैं इससे दूर तो हो गया हूँ, हो गई हूँ, पर जो मेरा इमोशंस है इसके प्रति, इसको फॉलो कर रहा है, क्यों मेरा इमोशंस, मेरा लव ख़त्म नहीं हुआ है अब तक, हमारे बीच इतना दिन हो गया, मंथ्स हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मैं क्यों उसको इतना ज़्यादा याद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसकी क्रेविंग हो रही है, उसकी याद काफ़ी सता रही है, क्यों मन नहीं मान रहा है मेरा, क्यों दिल चाहता है कि उसके पास वापस से जाऊं, स्टार्ट करूं, दिल की बात कहूं, अपनी फीलिंग्स उसको कहूं, ऑफ़र दूं और वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें। राइट नाउ इनकी फीलिंग्स, इनका हार्ट, इनका इंट्यूशन, इनका ड्रीम आपको फॉलो कर रहा है, आपकी ओर आगे बढ़ना चाहता है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखाई दिए हैं आपको लेकर, ठीक है। यूनियन की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं जो कि इमोशन से भरा हुआ है, ठीक है। फाइव नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या है इनकी फीलिंग्स आज मॉर्निंग में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या हैं, यूनिवर्स बताएं मुझे, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। इनके साथ फाइट हुआ है ऐसा हो सकता है, फाइव नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनसे रिलेटेड हो सकता है, आप दोनों के बीच क्लैशेस हुआ है, उसको सोच रहे हैं, जो मनमुटाव रहा है, जो कन्फ्लिक्ट रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव हैं, या तो कभी हो गए थे, आप दोनों हो गए थे, आप दोनों मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड है करेंटली, या तो कभी किसी सिचुएशन में हो क्या था, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है इनके साथ। मैं ऐसा देख पा रही हूँ अगर आपके साथ इनका फाइट करेंटली नहीं हो रहा है तो ये खुद में ही फाइट कर रहे हैं, इनके लाइफ में फाइट हो रहा है, किसी के साथ फाइट हो रहा है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपसे रिलेटेड अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, या तो इनको फियर है कि ये अपनी बातें रखते हैं, किसी के सामने कहने की ज़रूरत है, ठीक है, कोई एक्शन लेने से पहले किसी को आपके बारे में खबर देना है, अपने दिल के बारे में खबर देना है, ये क्या चाहते हैं, ये स्टेप लेना चाहते हैं, ये आपके लिए, खुद के लिए, या किसी को बताना है, ठीक है, तो किसी को कहना है। आपकी पर्सन मुझे फियर में दिखाई दिए हैं, ठीक है, अपने एक्शन को लेकर, जो आपके लिए एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या निकलेगा,
लोग क्या कहेंगे या इनके अपने जिनके साथ ये हैं, ये डर रहे हैं फाइट से। आई थिंक इनको फाइट की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट से बचना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर हो सकता है आपके रिश्ते में, तो इस रिश्ते के लिए फाइट करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये व्यक्ति ना खुद से भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है, इनके दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। और ये क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कन्फ्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एक स्टेप बहुत कुछ चेंज कर सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे 555 की एनर्जी दिखाई दिया है, रिपीटेटिव नंबर आप काफ़ी ज़्यादा देख पा रहे हो, यहाँ भी मैं 555 देख पा रही हूँ, यहाँ भी मुझे 555 मिला है। तो आपसे बिछड़ कर आपके पार्टनर अब सोच कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है या फाइट हो रहा है तो इनको फाइट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर करेंटली आप दोनों का फाइट हुआ है या कुछ वक्त पहले, तो इस व्यक्ति को रिग्रेट है, ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच फाइट हो। इनके दिल में आपके लिए काफ़ी प्यार है और इनको पता है आप ही इनको प्यार करते हो, तो वो चीज़ बाहर आनी चाहिए, ना कि आप दोनों ब्लेम गेम खेलो, फाइट करो, आप दोनों के बीच मनमुटाव हो, दूरियाँ हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते जी। आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में नहीं हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा आपको याद करते मुझे दिखाई दिए हैं। क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर, क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच आज के दिन, बदल सकता है, बदलाव आ सकता है समय में, ठीक है। आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, दिल और दिमाग के बीच आपके पर्सन अपने रिश्ते को चूज़ कर रहे हैं, आपको चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोग लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, किसी साजिश से निकलना है, ठीक है, किसी साजिश से निकलना है, या तो आपसे करना है, आपसे शादी करने के लिए फाइट करनी है, ये अपनी बात रखनी है कि इनको आपसे शादी करनी है, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। आप इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हो, इनके सोलमेट हो सकते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको चूज़ कर रहे हैं ये पर्सन, अगर इनके पास ऑप्शंस है तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं कुछ लोग लिए मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दिया है, अगर आज आपके पार्टनर आपसे फाइट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, खुद को डिटैच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये बदल गए हैं, ये चेंज हो गए हैं, चांसेस है किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, पर आपको भी सोच रहे हैं ये। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये कहीं पर इन्वॉल्व हैं, ये हो रहे हैं, तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि आप भी इनके लाइफ में रहो, ठीक है, आप अलाउ करो इनको अपने लाइफ में एज अ फ्रेंड या जैसे भी, पर आप इनके टच में कॉन्टैक्ट में रहो, इनकी पूरी कोशिश होगी। तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको कन्विंस करेंगे, लवी डवी एनर्जी में आएंगे ये पर्सन, ठीक है, आपसे मिल सकते हैं। मुझे ना दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, करने जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे शादी को ही लेकर दिखाई दे रहा है। कई लोगों के बीच सेलिब्रेशन आने वाला है, शादी होगी आपका आपके पार्टनर के साथ, और कई लोगों का आपके पार्टनर किसी और से करने जा रहे हैं, जो चीज़ आपको पता है, ठीक है। ये तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, फाइट हो रही थी, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच जो फाइट हो रही है वो ख़त्म हो, आप दोनों मिलकर ख़त्म करो और आप दोनों के बीच पीसफुल जॉयफुल सिचुएशन लाओ, ठीक है, सेलिब्रेशन लाओ, आप दोनों साथ में आओ, बैलेंस करो।
क्या कुछ हो सकता है, यूनिवर्स बताया मुझे। कई लोग का यूनियन होने जा रहा है, कई लोग का शादी की बात होगी, कई लोग मीटिंग करोगे। आपने कभी कुछ चाहा था, डिमांड किया था, वो चीज़ आपको मिलने वाला है, या आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। ठीक है, मुझे कंप्लीशन दिखाई दिया है, ये सेकंड चांस दिखाई दिया है यहाँ पर, दूसरा मौका। ठीक है, आपके रिश्ते को मिल रहा है यहाँ पर। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, स्पेशली पाइसेस कैंसर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। यहाँ पर एक्वेरियस और कैंसर स्ट्रॉन्गली है। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, हैव अ गुड डे।